गया हूँ प्रगति मैदान फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या गतिविधियाँ चल रही हैं प्रगति मैदान के हॉल नंबर 5 में। Another common thread that's emerging is the focus on children. With that, I'd like to bring in Mohit Batra from Rajat Book Corner, which is a much-loved bookshop in Jaipur, popular among readers across ages. Mohit is a third-generation bookseller, a gold medalist from XLRI, who chose to drive... Calligraphy ke behtareen नमूने ये देखिए, संभवतः ये हैंड रिटन है भगवद गीता उर्दू में। यहाँ महाभारत रखी हुई है, हैंड रिटन महाभारत उर्दू में। ये हमारी डिज़ाइन के सिद्धांत यहाँ पर डिस्प्ले हो गई है लाइब्रेरी सम्मेलन में। और एक और हमारी किताब सीड एंड यू सीड भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर ढेरों लोगों ने अपनी अपनी पसंद किताबों का नाम लिखा है। ये हमारी किताब सीड एंड यू सीड आपको दिखाई बहुत सारे बीन बैग पड़े हुए थे, तो फिर ये तय करा कि 2 मिनट बीन बैग पे बैठ के सांस ले लें। बुक्स भी यहाँ कुछ पड़ी हुई थी जिनको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत सारी गतिविधियाँ यहाँ पर चल रही थी, थक इतना गए कि अब सोच रहे हैं कि क्या करें। जो आप देख रहे हैं ये है क्लियर प्रैक्टिस परस्यू स्वरूप संपत रावल। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं, स्वरूप संपत जी परेश रावल जी की पत्नी है, मिस इंडिया रह चुकी हैं और सुबह आज ये इस प्रोग्राम में आई थी और यहाँ इन्होंने बायर्स के लिए सिग्नेचर भी किए हैं इन बुक्स पे। बहुत इंटरेस्टिंग ये स्वरूप संपत जी की किताब में देख पा रहा हूँ। फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरी से मैं बाहर आना शुरू हो गया हूँ, कुछ ना कुछ तो हमेशा सीखने को मिल ही जाता है। लोग इस समय अपने घर जाने की तैयारी कर रहे हैं और हम भी अब यहाँ से बाहर निकल के प्रस्थान कर रहे हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ।
बच्चों ने अभी मजा लेना अपना शुरू कर रखा है। अब मैं घर की तरफ जाना शुरू हो गया हूँ। ये जो बड़े बड़े हॉल आप देख रहे हैं जिसमें ना कोई खिड़कियाँ हैं ना कोई वेंटिलेटर हैं, अब क्या सोच के इन लोगों ने ये डिज़ाइन किए हैं, अब इस पर तो मैं क्या टिप्पणी करूँ। जो हमारे नीति निर्धारक हैं और जो डिज़ाइनर हैं उनको सोचना चाहिए कि क्या बनाते हैं ये, और बाहर से इतनी दूर से विजिटर कैसे चल के यहाँ तक आएगा, क्यों नहीं इतने बड़े हॉल में इतनी जगह पड़ी है, ये पूरी की पूरी इतनी बड़ी लैंड के नीचे पार्किंग की व्यवस्था कर देते या गाड़ियों की इस तरीके से व्यवस्था की जाए या कोई शटल सर्विस चलाई जाए बाहर से यहाँ तक आने के लिए। ऐसा लगता है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए इस देश में कुछ है ही नहीं। ये मान के चलते हैं कि सब लोग बड़े मजबूत हैं और जो मजबूत नहीं है ये चाहते हैं कि अपने घर बैठे